मैं अभी हमारे जालना डिस्ट्रिक्ट में घनसावंगी तालुका में ना कुछ मेडिकल कैंप कर रहे हैं। वहाँ पर काफी अच्छा हमें एक्सपीरियंस आ रहा है कि अगर हम लोगों ने अभी आदरणीय श्री रावसाहेब पाटिल साहब है उनके जन्मदिन पर हमने वहाँ पर 3 मेडिकल कैंप किए भाजपा और श्री दसल वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। 27 ऑपरेशंस किए वहाँ पर। तो किस तरह से आपको लगता है, क्योंकि हम शहर में तो बहुत सारे सिविल देख पाते हैं, लेकिन आप उस जगह पर सिविल कर रहे हैं जहाँ पर लोगों की जरूरत होती है, तो किस तरह से आपने उस जगह को चुना और आपको लगा वहाँ पे इस तरह के सिविल करने का करना जरूरी है? एक्चुअली मैं बेसिकली गांव से हूँ और मेरा गांव घनसावंगी मतदार संघ में जालना तालुका में है। तो मैंने कुछ गांव को विजिट दिया तो काफी पुअर नीडी पुअर पीपल वहां पे मुझे देखने को मिले। उनका कोई देखने वाला भी है नहीं है, उनके जो बच्चे हैं वो सिटी में कुछ काम करने जा रहे, तो उसे ज्यादा से आंखों के पेशेंट्स काफी दिखे, तो सो मुझे लगा कि ये करना जरूरी है, अपने से जितना होता है उतना करना जरूरी है, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। और आदरणीय राव सरदार साहब के जन्मदिन के माध्यम से भी वहाँ पे किया, काफी हमें रिजल्ट मिला, आदरणीय साहब का भी बहुत सारा हमें सपोर्ट मिला वहाँ पे। कितने दिन में शिविर आयोजित किया गया है और इस शिविर में क्या कुछ जांच की जा रही है, क्या क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं? इसमें अभी हमने देखो हमने दो एक तीन शिविर हमने दाने साहब जी के बर्थडे पे लिए है और चार शिविर हमने स्वर्गीय कचरूबापा अर्धर जी उनके स्मृति प्रीतार्थ उसके ऊपर लिया है। हमने श्रीपद श्री वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट और मातोश्री सेवाभावी संस्था के माध्यम से 4 शिविर लिया, उसमें 76 ऑपरेशन किए हैं। तो वहां पर बहुत अच्छा ये हुआ देखने को मिला। जो आपने ऑपरेशन की बात करें, वहाँ पर पैर में इस टाइप के ऑपरेशन किए, तो वहाँ पर शिविर का आयोजन देखकर इतना लंबा 1 दिन का नहीं बल्कि 20-25 दिन का जो शिविर आयोजित किया गया है, तो वहाँ के लोगों को किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वो इस शिविर का लाभ ले पा रहे हैं और आप लोगों तक कैसे इस बात को पहुंचा रहे कि यहाँ पे जो शिविर आयोजित तो किया गया लेकिन इसका लाभ वो ले सके? देखो अभी हमने अभी 1.5 महीना तो हमें हो गया और भी हमारा पूरा यूनिट वहां पे ही है, हमें वहां से आने का हमारा मन नहीं कर रहा है क्योंकि काफी पेशेंट्स है और ज्यादा गांव में हम जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि और करना चाहिए। अभी मई पूरा मंथ हम सोच रहे हैं, मई में पूरा मंथ तक वहीं रुकेंगे। हमने स्पेशली वहां पे डॉक्टर्स के लिए वैनिटी वैन भी हमने वहां पे यहाँ से लेके गए हैं और गणपति नेत्रालय आशिया खंड में 3 नंबर पे है, तो वो काफी हमें हेल्प कर रहे हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे, काफी चीजें गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमें सपोर्ट कर रही है। जो भी आयुष्मान भारत योजना है, जो गवर्नमेंट की स्कीम में जो बैठ रहे हैं उस पे कर रहे हैं और काफी बाकी हम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से भी हम काफी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो केला जी, आपको कितनी खुशी मिल रही है जो लोगों के चेहरे पे खुशी, जो हम वीडियो देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी वीडियो जो देख रहे हैं, जो लोगों के चेहरे पे खुशी है, उस खुशी को देखकर आप कितने खुश है कि इस तरह का आयोजन आपने किया? उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस ये काम मुझे पहले करना चाहिए था ऐसा मुझे लगा, और भगवान ने मुझे मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और काफी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुशी मिलती है जब उनका दुख हम लेते हैं और के चेहरे पे एक अलग ही आनंद दिखने को मिलता है। दुनिया का वो सबसे बड़ा अनोखा पल होता है किसी को खुश देखते हुए, तो पूरा मैं मेरा दर्द टेंशन भूल जाता हूँ उनकी खुशी में शामिल। तो आगे क्या कुछ आपकी तैयारी है और भी कार्यों की, आप अब मुंबई में ही या फिर दोबारा आपको जाना जाने वाले हैं? मैं तो वहाँ दोबारा जाना है, अभी हम एक टॉक शो जो समोशादा मराठी में है, जो श्री देवेंद्र फडणवीस जी जनता दरबार समोशादा हुआ मदद मार्गदर्शन मिलवा, ये एक टॉक शो हम लोग आयोजन कर रहे हैं। तो उस टॉक शो में हम नीडी पुअर पीपल को बुलाएंगे जो उनकी समस्याएं हैं और उस समस्या का हल कैसे किया जाएगा, फिर वो हेल्थ रिलेटेड हो, फिर वो एजुकेशन रिलेटेड हो, या उद्योग रिलेटेड हो, या खेती रिलेटेड हो, या स्पोर्ट रिलेटेड जो भी, तो हम लोग उनके क्वेश्चंस, उनके समस्या क्या है, फिर हम उसके ऊपर हम
वर्कआउट करके शॉर्टलिस्ट करके उनको सही तरीका सही रास्ता और सही जगह हम उनको दिखाने का उस शो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो कल आप देवेंद्र फडणवीस जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या इस विषय पे कोई चर्चा हुई उनसे? हाँ, फडणवीस साहब से मैंने कल मुलाकात की और उनसे एक ही चर्चा की, सर हम ये ऐसे ऐसा प्रपोजल हम लेके आए हैं और हम जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तो उन्होंने शुभेच्छा दी, बहुत अच्छा काम है, लोगों के समस्या पूछो, ये वर्ड उन्होंने बहुत अच्छा कहा, समस्या पूछ के उनका समाधान करने की कोशिश करो, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको। तो किस तरह आप इस काम को, सोशल वर्क को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शुरुआत आपकी देख पा रहे हैं, तो किस तरह से और आगे भी इस कार्य को लेकर आप चाहेंगे और किस तरह से आप अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, क्योंकि जो भी आप ले रहे हैं वो भी लोगों के हित में है, जो भी आप नया प्रोग्राम की बात कर रहे हैं समस्या को लेकर कि लोग रूबरू हो पाए उनकी समस्याओं से, तो किस तरह आगे की रूपरेखा तैयार की है? आगे की तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के पंत प्रधान है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका बहुत बड़ा संकल्प है, उन्होंने काफी योजनाएं योजना लाई है, लेकिन वो ग्राउंड विलेज तक गांव तक पहुंचती नहीं है। आज मैं जब ये मेडिकल कैंप करने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये फ्री में हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री हो, लेकिन वहां तक पहुंचाने वाला ले जाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। बीच का जो मेडिटेट, मैं वो मेडिटेट करके काम कर रहा हूँ और मोदी जी की जो संकल्पना है वो योजना का उन दोनों को मिला दे रहा हूँ, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आप भी जानना दी, आपने क्या कुछ देखा, क्या फर्स्ट टाइम जाना हुआ था, इससे पहले भी आप कभी गए हैं वहां पर? जलना तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे अच्छा लगा देख के कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कितने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि यहाँ पे एजुकेशन की कमी है इंडिया में, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं करते, कि इवन अगर गवर्नमेंट फ्री में भी दे रहे हैं तो भी लोगों को नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो उन तक ये सब पहुंचाए, और कुछ लोग वो चाहते भी नहीं पहुंच पाते, तो ये लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ से रहेगा तो ही हम काम कर पाएंगे। तो कितने सारे वहां पे बुजुर्ग लोग मिले तो देखिए थोड़ा सा मतलब वो हो रहा था कि इतने सारे लोग हैं जिनको सच में मदद की जरूरत है, वो बेचारे कहीं चल भी नहीं पाते, उनको ऐसे लेकर आते थे। तो अच्छी बात है कि ये जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, मैं उनको शाबाशी देना चाहूंगी, और जिन्होंने भी हेल्प सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू। आपने क्या कुछ वहां पर देखा ग्राउंड में रहकर, क्या कुछ समझा, और आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से कैलाश जी के साथ रहकर उन कामों वहां के समस्याओं पर काम करना चाहेंगे? मैं जरूर आगे जाके भी उनके साथ काम करना चाहूंगी जितना मेरी तरफ से पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट वहां पे जाके अगर मैं थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर भी करूंगी तो भी मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि एज अ फॉरेनर मैं वहां पे जब जाती हूँ राशन होके, तो उनके चेहरे पे जो खुशी मिलते है वो अलग होते है, क्योंकि वो बेचारे पूरी जिंदगी अपने गाँव में निकाली, तो उन्होंने ज्यादा कुछ देखा भी नहीं, कितने लोगों को तो हिंदी भी नहीं आती, तो स्पेशली मैं कुछ दो चार वर्ड्स मराठी में सीखी, तो वो जब बोलते तो वो लोग खुश हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और इतने साल मैंने इंडिया में गुजारे, तो मेरी सेकंड कंट्री हो गई राशि के साथ साथ ये भी मैं उसको अपनी कंट्री मानती हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ कर सकती हूँ लोगों के लिए तो अच्छा लगेगा। तो कैलाश जी को जब भी हमने कोई स्टेप पे काम करते हुए देखा, हमेशा आपका सपोर्ट और आपका साथ हमें दिखाई दिया, क्या वजह है कि उस तरह से उनके साथ हमेशा आप नजर आई? ये मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, और हमारा पहली मतलब जो शुरुआत हुई वो हमें एक शो बनाना था लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो लोगों को हेल्प करे, पर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि पहले मैं ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं काफी टाइम से देख रही थी, इनकी इच्छा था कि वो कुछ लोगों के लिए करे कुछ अच्छा, तो फाइनली किए जा रहे, तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अच्छे इंसान है, और इन्होंने खुद ही गरीबी भी देखी और कहां से कहां पहुंच गए, और अभी खुद का एग्जाम्पल लेके वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली अच्छे लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है।
कहना जी आप क्या कहना चाहेंगे, अभी भी शिविर वहां जारी है तो और भी लोगों को क्या मैसेज या संदेश देना चाहेंगे और क्या और भी लोगों को इस तरह से आगे बढ़कर सिटी के साथ साथ गांव की ऐसी जगहों पर भी क्या लोगों को पहुंचना चाहिए जिस तरह से आप पहुंच रहे हैं? मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा और जो एनजीओ चलाते हैं या जो कोई सोशल वर्क है, तो इस तरह से महाराष्ट्र के 288 मतदार संघ में आगे आके लोगों ने अच्छा ये फ्री मेडिकल कैंप लेना चाहिए। इसे कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कुछ नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के योजनाओं को आप आगे करके अगर काम करना चाहोगे तो ज्यादा कोई लोड नहीं रहेगा, ऑपरेशन प्राइवेट में भी हो जाएगा और उनका समाधान भी हो जाएगा, सभी प्रकार का उनको सुविधा मिल जाएगी। इवन गवर्नमेंट ने जो भी पीएससी होती है, सेंटर होते हैं वहां पे, डॉक्टर्स होते हैं, 53 टेस्ट वहां पे करवाते हैं, तो सब ये सब फ्री में ही हो रहा है। तो सो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि हम जैसे काम कर रहे हैं तो सभी आगे आगे काम करेंगे तो हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में कोई हेल्थ रिलेटेड ज्यादा कोई बड़ा ये नहीं रहेगा।